एक तरफ गुआम पर हो गया है हमला, बिल्कुल ठीक सुना आपने, गुआम बेस जहां अमेरिका का मिलिट्री स्टेशन है और अमेरिका जहां से ताइवान की मदद कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ FATF की नजर अब भारत पे पड़ी। 13 साल बाद ले रहा है कुछ एक्शन, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये है गुआम एयरबेस। गुआम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। गुआम इस वक्त अमेरिका का वो सेंटर बना हुआ है जो चाइना को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाएगा, ये बात तो तय है। और ये चीज चाइना भी बहुत अच्छे से समझता है, इसकी लोकेशन ही बता रही है कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत प्रभावी होगा। तो वहीं जब ताइवान पर हमला करने के लिए बढ़ेगा चाइना, तो पीछे से गुआम से उसे मदद मिलेगी ताइवान को, ये चीज चाइना भी समझता है। ताइवान और चाइना के बीच टेंशन किस कदर बढ़ गया है उसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि ताइवान को WHO ने न्योता भेजा था और इनविटेशन के आधार पर WHO मई 21 से 30 की होने वाली मीटिंग में पहुंचने वाला था और ये बैठक होने वाली थी आने वाली महामारी के लिए, लेकिन अचानक से चाइना आ गया और चाइना ने कहा कि 100 देश इस मीटिंग में आएंगे और इस मीटिंग में ताइवान नहीं आना चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए ताइवान क्योंकि ताइवान को लेकर हमारी लड़ाई चल रही है, ताइवान और चाइना एक ही हैं, ताइवान हमारा पार्ट है, वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन होगा अगर आप उसे एक अलग देश मानकर बुलाते हैं तो। और बड़ी अजीब बात यह है कि इस इनविटेशन में उसे फिर से मना भी किया गया, मतलब न्योता देकर दोबारा ताइवान को हटा दिया गया एनुअल असेंबली से। वैसे जब पिछली बार महामारी फैली थी ना, तब भी ताइवान ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि WHO हमें आने दो, पर उसमें भी चाइना ने अड़ंगा डाल दिया था और WHO की मीटिंग में ताइवान को नहीं आने दिया था। ये इस लेवल की इस वक्त टेंशन चल रही है। खैर, ऐसा नहीं है कि नाटो चुपचाप बैठा हुआ है, नाटो ताइवान में उतर रहा है और ताइवान के अंदर पूरी प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से अगर युद्ध होता है तो युद्ध को हैंडल करेगा ताइवान, इसके लिए मदद भी दी जा रही है। मतलब समझिए कि ताइवान को अगला यूक्रेन बनाया जा रहा है ताकि यूक्रेन की तरह ये भी लड़े। ये जो विजिट हुई थी, नाटो के डिफेंस के लोग पहुंचे हुए थे, ये कहा जा रहा है मार्च 27 से लेकर 31 तक यहाँ पर थे, खास तौर पर यहाँ इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। वैसे तो लगातार नाटो का यहाँ पे आना जाना लगा रह रहा है, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है चाइना को। चाइना ने कई बार इस बात को लेकर कहा भी है, पर अब नाटो ने तो जापान में एक ऑफिस भी खोल दिया है, यानी जापान, मैप में देख सकते हैं आप, जापान, ताइवान, चाइना और जापान में अगर नाटो का ऑफिस हो तो ये एक बड़ा कनेक्शन बता रहा है। इन सब के बीच में अमेरिका F-16 वाइपर विमान दे रहा है, इसके अलावे M-9X साइड विंडर मिसाइलें दे रहा है, ये सब कुछ चाइना के आर्मी को काउंटर करने के लिए ही दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ताइवानी एयरफोर्स के पास जल्द ही 200 फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट होंगे। वहीं कहा जा रहा है कि F-16 विमानों की संख्या इसमें बहुत ज्यादा होगी। हो सकता है कि एक ऐसा समय आए ताइवान के पास एशिया पैसिफिक में सबसे ज्यादा F-16 विमान हो, बहुत ज्यादा दी जा रही है। तो आपको बता दें, कहा जा रहा है हार्पून मिसाइलें, इसके अलावे M-9X साइड विंडर मिसाइल, सर्विलांस रडार प्रोग्राम, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो ताइवान को दी जा रही है अमेरिका के द्वारा। यानी ये तो तय है कि अमेरिका यहाँ पर अपना पूरा खेल पूरी तरीके से खेल रहा है
और इसमें बौखलाएगा ही चाइना। चाइना भी बौखलाया हुआ है क्योंकि चाइना जल्द से जल्द ताइवान को हासिल करना चाहता है। हासिल करने के पीछे एक और बड़ा कारण है और वो सबसे बड़ा कारण है सेमीकंडक्टर, जिसके ऊपर लगातार अमेरिका यहाँ लगाम लगा रहा है और चाइना को न सिर्फ उत्पादन बल्कि मार्केट से भी बाहर कर रहा है। इन सब से परेशान हुए चाइना ने अब धीरे धीरे गुआम पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वैसे बहुत पहले चाइना ने एक वीडियो रिलीज की थी, उस वीडियो में ये दिखाया था कि अगर हम गुआम पर हमला करेंगे तो किस तरीके से हमला करेंगे। चाइना के निशाने पर गुआम है ये बात तो सभी जानते हैं, पर अब क्या साइबर हमला शुरू हो गया है। अमेरिका की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने बुधवार को ये दावा किया कि चीन के तरफ से अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक हैकर गुआम और अमेरिका में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा को निशाना बना रहे हैं। ये भी दावा किया गया है कि चीन क्षमताएं विकसित कर रहा है जिनके अनुसार एक नए समूह को इसने बनाया है जिसे वोल्ट टाइफून कहा जा रहा है। 2021 में खास तौर पर इसे तैयार किया गया है ताकि गुआम पर निशाना लगाया जा सके और हैकरों ने अमेरिकी सिस्टम में इसे डालना शुरू कर दिया है। गुआम के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में इसे पाया गया। गुआम अमेरिका का सबसे बड़े एयरबेस में शामिल है और यहाँ पर ये होना ये बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है। गुआम एयरबेस अमेरिका और एशिया के बीच सुरक्षा के लिहाज से एक पुल की तरह काम करता है, यानी ताइवान पर अगर चीन की ओर से हमला किया जाता है तो गुआम एयरबेस सबसे बड़ा केंद्र बनेगा और ऐसे में चोरी छिपे कुछ सिस्टम में डाला गया है, अलग अलग घरों के राउटर्स और इंटरनेट में भी इस तरीके से डाला गया है कि इन्हें ट्रैक करना आसान न हो। कई सॉफ्टवेयर ऐसे डाले गए हैं जिनसे की सूचनाएं चाइना के पास पहुंचता रहे। खैर, गुआम पर इस तरह की कार्रवाई अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डेंजर बनेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत पे FATF की नजर आ रही है। आखिर FATF भारत के ऊपर क्यों मुड़ रहा है? पहले एक हल्की फुल्की मीटिंग होती थी और FATF कोई खास इस तरीके से नहीं आता था जिस तरीके से इस बार आ रहा है। FATF की पूरी टीम इस बार 13 साल बाद आ रही है, खास तौर पर डिटेल में निगरानी के लिए। और FATF की टीम ने भारत से 350 क्वेश्चन पूछे हैं सेबी से, जिसका आंसर भारत तैयार कर रहा है। वैसे कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा कारण तो ये है कि कुछ है जो पीछे से प्रेशर डाल रहा है, मतलब कि कोई ऐसी शक्ति, यूरोपीय शक्ति, अमेरिकी शक्ति, जो कहीं ना कहीं एक प्रेशर डाल रहा है FATF को भारत में आने के लिए। और दूसरी बड़ी बात है हिंडनबर्ग का खुलासा। हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी किया है उस रिपोर्ट के बाद भी FATF जानना चाहता है कि किस तरीके से यहाँ सारी चीजें चल रही हैं, क्या यहाँ सारी चीजें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। खैर, FATF की टीम के लिए भारत भी तैयार ही होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।